अभिषेक है। AICPI इंडेक्स जून 2022 का आ गया है और देखिएगा जो आपका डिनर्स अलाउंसेस है वो कोई 4% नहीं बढ़ने वाला बल्कि 3% ही बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले का जो डेटा था वो 3.6% था। अब कहीं ना कहीं 0.2 यूनिट और बढ़ा है जो जून का है, तो कहीं ना कहीं अब आपका जो महंगाई भत्ता है वो 3.8% इंक्रीज़ हो रहा है अकॉर्डिंग टू AICPI जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक। तो बाद भी आप मान सकते हैं कि 4 पॉइंट भी नहीं गया है कहीं ना कहीं, तो आपका जो महंगाई भत्ता है वो जुलाई में केवल 3% बढ़ेगा। बाद में देखिएगा सबसे पहला, अगर आप पूरा इंटरनेट देख लीजिए, पूरा आप मीडिया देख लीजिए, अगर डीएनएस अलाउंसेस के बारे में किसी ने बोला है कि 3 से या 4%, मैंने संभावना जताई थी 3% ही बढ़ सकता है। देखिएगा आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था स्टार्टिंग जून में और बताया था कहीं ना कहीं जो आपका जुलाई में डीएनएस अलाउंसेस बढ़ेगा वो 3% बढ़ने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो बाद में उसका क्लिप आगे ये दे रहा हूँ एंड बाद में मैंने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ ए बिग अपडेट, जो भी एनालिसिस रहती है मैं आप कुछ देर के बाद आपके सामने लाऊँगा। और बाद में जो डेटा है एज पर AICPI इंडेक्स, तो आपका डीएनएस अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ 3% बढ़ेगा, मतलब केंद्र सरकार का 34 से लेकर 37% महंगाई भत्ता हो जाएगा और जो अन्य राज्य सरकारें हैं वो भी देंगी। तो बाय द वे दिस इज़ ए बिग अपडेट, 3% केवल महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है जुलाई 2022 के लिए। तो आपको एक बात और ध्यान देना है कि इधर RBI ने, उसकी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार रेपो रेट को इंक्रीज किया है। तो देखिएगा ये जो रेपो रेट है, तो रेपो रेट मार्केट से पैसे को और कम कर देता है। बाय द वे अगर लोन महंगे होंगे, अगर बैंक्स को ऋण जो RBI दे रहा है वो महंगा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई है तो उसमें जो लोगों के पास पैसा है या फिर लोन लेने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। तो बाद में इसका असर कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि जो चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे, अचानक से बढ़ते ही जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन का जो रेट है वो हल्का सा कम देखने को मिलेगा। तो ये जो 5% हो जाता है महंगाई भत्ता, क्योंकि 2.3 अभी है कि अगर मई और जून का अगर आपका मिल रहता है तो 2.3% तो अभी आपको, या 2% आपका महंगाई भत्ता अभी बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि मई और जून का डेटा, क्योंकि लगातार लगभग 45 दिन के अंदर RBI ने 2 बार से ये रेपो रेट को इंक्रीज किया है, 0.5 बेसिस तो अभी किया है जून के फर्स्ट वीक के जस्ट बाद, एंड उससे पहले मई के फर्स्ट वीक में ही किया था 0.4 बेसिस, तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफी बड़ा बदलाव लाएगा। तो जो आपका मई का और जून का है तो आप उस हिसाब से महंगाई बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं जैसा आप मार्च और अप्रैल में देखे हैं। हो सकता है कि अगर उसी हिसाब से रहे तो कहीं ना कहीं, मेरा जहां तक मानना है, तो 0.5 से लेके 1 पॉइंट के बीच कहीं ना कहीं इन दोनों महीने का डेटा रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि उस हिसाब से भी रहता है तो कहीं ना कहीं आप एज्यूम कर सकते हैं कि 2 अगर आप एक्स्ट्रा रेट कर लें तो आपका लगभग करीबन 4.3 आपका AICPI इंडेक्स फॉर दी 6 मंथ्स बनेगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 4% आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए डिक्रीज भी होता है, फिर कुछ ऐसा भी होता है कि डाउनफॉल होता है इन इंडेक्सेस में, तो आप 3% तो मान ही सकते हैं कि आपका महंगाई भत्ता कहीं नहीं गया है। तो आप मान सकते हैं कि 3 से 4% के बीच आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा।